पर आसपास के लोग का। तो अभी क्या है, हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर में। तो दोस्तों स्नैक रेस्क्यू के लिए अभी हम लोग माताटी गांव आए हैं, जमालपुर में फुलका के पास है। और आप देख सकते हैं यहां कुछ काफी भीड़ हुई है, बगल में एक स्कूल है साथियों, यहां बच्चे लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ते हैं। और ये जो पीछे आप एक कमरा देख रहे हैं, ये निर्माणाधीन है, मतलब कि यहाँ लोग छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। और ऐसे में क्या है, खाली पड़ा हुआ जगह था, तो एक कोबरा सांप हम लोगों ने लगभग 8-9 महीने पहले एक बार और निकाला था, और फिर से एक कोबरा सांप यहाँ फिर से दिखा है। और इस तरह से लोगों में, बच्चों में भय बन गया है कि लोग डरे हुए हैं, जहरीला सांप है, डर की बात है। तो हमें बुलाया गया है, चलकर रेस्क्यू करते हैं, बने रहिए वीडियो में। लो फोटो, ये गांव में बहुत जहरीला सांप आया है। दोस्तों सांप यहाँ दिख चुका है, और कोबरा सांप है दोस्तों। टिंगड़ा जुगना निकल यहाँ पर आसपास के लोग काफी भयभीत थे। हालांकि सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वहाँ क्या है कि काफी सारे खपड़ा का ढेर रखा हुआ था, और इसके छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, इस वजह से जो है सांप वहाँ छिप जाता था, रहता। तो अभी क्या है कि खोज थोड़ी सी खोजबीन के दौरान जो है इसे थोड़ी सी चोट लग गई है, तो हम लोग दवाई लगा देंगे और इसे रेस्क्यू कर लेते हैं साथियों, क्योंकि यह थोड़ा सा जख्मी है अभी, और लोगों को देखकर काफी भयभीत हो गया है। हम हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं, कभी भी ऐसा या कोई भी सांप काटे, झाड़ फूक, अंधविश्वास, ये सबसे दूर रहे। झाड़ फूक से किसी भी सांप का जहर का इलाज नहीं हो सकता है। अगर आपको सांप काटे, सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाएं, वहीं आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देख सकते हैं गुस्से में यह कोबरा सांप किस तरह से हमला करता है। तो इसे हल्की चोट है दोस्तों, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक हो जाएगा यह। देख सकते हैं काफी सारी भीड़ है यहाँ पर, फिर भी यह सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, यह सिर्फ अपने रक्षा कर रहा है। लोग भयभीत हो जाते हैं, सांप को देखकर मारने लग जाते हैं, लेकिन सांप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सांप को जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, तब तक सांप आपको बाइट नहीं करेगा। तो चलिए साथियों, पहले हम इसको दवाई लगा देते हैं, रखिएगा बैग निकालिए थोड़ा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सी दवाई लगा देते हैं। इसको पहले थोड़ा शांत होने दीजिए। चूंकि देख सकते हैं साथियों, सांप का ब्लड मीठा होता है, और ऐसे में मक्खियां लग रही है इसे, और यदि इसे छोड़ा जाए तो ये इसमें चींटी लग जाएगी और फिर इसे खतरा हो जाएगा।
अब क्या है, अब ये थोड़ा सुरक्षित है, अब मक्खी इस पर नहीं लगेगी। दोस्तों हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है, ऐसे में इसका जख्म भी जल्दी सूखेगा, और चूंकि हल्दी और क्रीम दोनों लगी हुई है इस वजह से मक्खी और चींटियां इससे दूर रहेंगी और यह जल्दी रिकवर हो सकता है। तो आइए अब इसको हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, क्योंकि काफी परेशान हो गया है यह, इतनी ज्यादा भीड़ देख के यह थोड़ा सा परेशान हो गया है। तो चलिए साथियों इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। हेलो, ये डब्बा निकालिए। साथियों अब इसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं बहुत प्यार से हम लोगों ने इसका रेस्क्यू कर लिया। ले रहा है दोस्तों। आपने देखा इस कोबरा को हमने अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया, थोड़ी सी इस पर चोट लगी हुई थी, हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड कर दिया है और अब यह रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और हम लोग इसे नेचर में रिलीज कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक ऐसी वीडियो पहुंचे और सांप के बारे में लोग जानें और उसे मारने से परहेज करें, क्योंकि मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, सांप को थोड़ा सा भी जख्म हो जाता है। आप देख सकते थे अभी इसके बॉडी पर थोड़ा सा ही जख्म था, लेकिन मक्खियाँ इसे परेशान कर रही थी, अगर यह कहीं छिप भी जाता तो चींटियाँ लग जाती और फिर इसे जिंदा जीवित हालत में ही इसे खा जाती। तो फिलहाल तो यह बच गया है, लेकिन काफी सारे सांप मारे जाते हैं। सांप के बारे में जानकारी बढ़ाइए, कभी भी सांप काटे सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाइए। तो मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत। मैं सांप है।